गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला, जो कि छोटे बड़े सबको पसंद आता है। तो ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कटोरी बेसन। तो 2 कटोरी बेसन के लेने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, 1 नींबू का रस। अभी इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बेसन मैंने पहले से छान कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा बैटर बना लेंगे। पानी कभी भी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। क्योंकि बैटर को हमने पतला नहीं करना है, अच्छा थिक हमको बैटर बनाने की ज़रूरत है। अच्छे से ये बैटर हमको बना लेना है और इसमें कुछ भी लम्स नहीं लेना चाहिए, एक भी इस तरह का सॉफ्ट बैटर हमको बनाना है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये बैटर बनाने में मेरा इसमें 1 से 1.25 गिलास पानी मैंने ऐड किया है। तो अभी इसके अंदर हम ऐड करते हैं, इसमें अभी मैंने 2 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था। अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे अपनी बैटर को, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। इसको कम से कम 1 मिनट में एक ही साइड में हम फेंट लेंगे। जितना हम इसको बैटर को फेंटेंगे ना, उतना ही ये हमारा बैटर सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। तो इसमें थोड़ी आप लोगों की मेहनत जाएगी। एक ही साइड में हमको कम से कम इसको, जब तक हमको लगे कि ये थोड़ा सा बेसन का कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तब तक हमको इसको ऐसे फेंटना है। अभी आप देख सकते हैं मुझे कम से कम 2 मिनट हो गए हैं इसको बेसन को फेंटते हुए। तो आप देख सकते हैं बेसन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है। इस तरह से ये बेसन गिरना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि ढोकले के लिए आपका ये बैटर बेसन का बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर गैस पे बर्तन चढ़ा दिया था और उसमें थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया है, तो मैं ये एक बर्तन वाला जो स्टैंड है यहाँ पर रख देती हूँ। जब यहाँ पर बर्तन और पानी की तैयारी पूरी हो जाए, तब हम इस वक्त अपने बैटर में 1 सैशे इनो का डालेंगे। पहले हमको नहीं डालना है, जब हमारी उधर तैयारी हो गई है उस वक्त हम ये सैशे इनो का डालेंगे। अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। आप देख सकते हैं इनो डालने के बाद ये जो बैटर है बेसन का, इसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। अभी ये रेडी हो गया है। अभी आपको एक बर्तन लेना है जिसमें आपको ढोकला बनाना है। मैंने ये स्टील का लिया है बर्तन, जो कि मेरा उसमें बर्तन में फिट आ जाएगा। तो उसको हम तेल के साथ ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छे से इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, ताकि ढोकला निकालने के वक्त हमको परेशानी ना हो। तो अभी जो बेसन का बैटर है मैं इसमें डाल देती हूँ। पूरा बैटर मैंने ये बर्तन में डाल दिया है। इसको हम अच्छे से टैप करके सेट कर लेंगे। अभी इसको मैं गैस पे रख देती हूँ। अभी हमको इसको अच्छे से ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाना है। यहाँ पर हम बना लेते हैं चटनी, जब तक हमारा बेस ढोकला तैयार हो रहा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज, 4 लहसुन, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्ची, 1 छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच दही, थोड़ा सा पानी डालेंगे बस। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। तो इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ।
तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। अभी हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। ये यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ का ढोकला हमारा पक गया है या नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से ढोकला फूल गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा ढोकला अच्छे से पक गया है या नहीं। अच्छे से हमारा ढोकला पका है या नहीं वो चेक करने के लिए आप कोई भी नाइफ ले लीजिए, घर में रहता है तो आप उसको ऐसा अंदर कीजिए। ये देखिए एकदम से अगर हमारा नाइफ क्लीन बाहर आ रहा है इसका मतलब ये हमारा ढोकला अच्छे से पक गया है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अभी हम ढोकले को ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे इसको अपने ये बर्तन में से। कभी भी याद रखिए कि ढोकले को गर्म गर्म नहीं निकालना चाहिए, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं तड़के की तैयारी जब तक ढोकला ठंडा हो रहा है। ढोकला जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के लिए पहले हम एक नाइफ से इसके जो कॉर्नर है वो धीरे धीरे अलग कर लेंगे, ऐसे घुमाकर आराम से। अभी हम इसको इस तरह से उल्टा कर देती हूँ। थोड़ा सा बस टैप कीजिए, बहुत इजीली ये निकल आएगा। ये देखिए कितना ही अच्छे से हमारा ये ढोकला रेडी हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट बन गया है। इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हम इसके पीस कर लेते हैं। देखिए कितना ही सॉफ्ट हमारा ढोकला रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा बना है। ये जो हमने तड़के के लिए रेडी किया था खट्टा मीठा चटपटा पानी वो हम इसके ऊपर डालेंगे। और डालूंगी थोड़ा सा धनिया। धनिया के बिना तो ये हमारा ढोकले का मजा ही नहीं है। ये देखिए तो ये हो गया है रेडी हमारा ढोकला। कैसा लग रहा है गाइस, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। देखिए कितना ही सॉफ्ट बन गया है, मैं आपको दिखाती हूँ एकदम बाजारी कितना ही सॉफ्ट बना है। ऐसा ही आप बाजार से खाएंगे तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही। तो गाइस आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।